हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी, प्रिंस कट ब्लाउज में हम डीप गला लेते हैं तो उसका शोल्डर उतरता है। तो डीप गले में शोल्डर नहीं उतरे, उसके लिए मैं आपके लिए एक आसान ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई हम 13 इंच लेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 14 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। इस तरह से सीधा कर देना है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो जैसे डीप गला है 11 इंच, प्रिंस कट ब्लाउज में डीप गला 11 इंच है, ये 36 साइज का बता रही हूँ। तो इसका शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच, 5.25 इंच पर निशान लगाना है। डीप गला 11 इंच है तो हम शोल्डर 5.25 इंच लेंगे और आर्म होल लेंगे हम यहाँ से 5.25 इंच लेंगे आर्म होल। इस तरह से 5.25 इंच आर्म होल लेंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ से सीधा कर देंगे, यहाँ से एक बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरह से ये 36 साइज का ब्लाउज है प्रिंस कट, तो इसका हम 1/4 लेंगे, 9 इंच, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। एक चौथाई लेंगे तो 9 इंच आएगा और उसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे 2 इंच, तो 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हमने सिलाई मार्जिन लिया है 2 इंच और ये हमारा 1/4 है चेस्ट का, 9 इंच। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल राउंड लेंगे ये बैक साइड का, तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे बैक साइड के लिए इस तरह से, और फ्रंट साइड के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और गोल शेप दे देंगे। इस तरह से गोल शेप दे देना है। इस तरह से गोल शेप दे देना है। तो जैसे शोल्डर हमने 5.25 इंच लिया है डीप गले के हिसाब से, 5.25 इंच हमने शोल्डर लिया है, तो हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच, 2.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से ये 2.25 इंच पर निशान लगाए हैं। और जैसे डीप गला 11 इंच है, तो यहाँ से हम 11 इंच, 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है, शोल्डर की तरफ से आधा इंच सिलाई में चला जाता है, तो हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम नीचे के साइड से फैलाव देंगे हम 3 इंच का। जितना भी आपको गले का फैलाव रखना है आप रख सकते हो, 3.5 इंच, 3 इंच, इस तरह से, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस लाइन को हम इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा डीप गला है 11 इंच,
तो हमने शोल्डर 5.25 इंच लिया है और जो गले की चौड़ाई है वो हमने 2.25 इंच ली है। और यहाँ से हम आप जो भी शेप दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे भी आपको गले का डिज़ाइन रखना हो, गोल गला, पान गला, मटका गला, जैसे भी आपको रखना हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वो गला आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह गोल गले का शेप दे दिया है, चाहे तो आप मटका गले का भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से इस तरह से लेना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से मटका गला बना देना है इस तरह से। इस तरह से मटका गला आएगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये मटका गला आएगा। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब डीप गला लेते हैं तो डीप गले में शोल्डर उतरता है, उसके लिए एक ट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको गले की तरफ से 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से। यहाँ पर 1/2 इंच हम यहाँ से डाउन कर देंगे और यहाँ से हम तिरछे में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से हमने डाउन कर दिया और यहाँ से यहाँ तक हमने तिरछे में मिला दिया है। तो इस तरह से हमारा जो डीप गला होता है वो कंधे उतरते हैं डीप गले से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमने यहाँ से डाउन कर दिया है। अब हम डॉट का निशान लगाएंगे बैक साइड का। तो यहाँ से हमको टेप रखना है और यहाँ से हम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे, पीछे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से। इस लाइन को हम इस तरह से तिरछे में मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक तिरछे में मिला देना है। तो ये हमारा पीछे का डॉट लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दो पार्ट निकल के आए। हमने क्योंकि डबल फोल्ड पेपर लिया था तो डबल फोल्ड पेपर से हमको आगे और पीछे का दोनों पार्ट निकल के आता है। तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, सेंटर से कट कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट निकल के आए हैं। इस तरह से ये बैक पार्ट निकल के आए हैं और ये फ्रंट पार्ट है। तो ये फ्रंट पार्ट है। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसको आर्म होल से हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, पहले इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने सीधा कर दिया है और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरह से। ये लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देना है। ये हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन लिया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन किया है, क्योंकि आर्म होल में जो झोल आती है, जो फुगान आती है आर्म होल में, वो नहीं आएगी और एकदम फिटिंग में हमारा आर्म होल बैठेगा और ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और झोल भी नहीं आएगी। इससे हमारा आर्म होल एकदम फिटिंग में बैठेगा। तो इस ट्रिक से आप आसानी से, तो ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि आर्म होल में झोल नहीं आएगी, इसलिए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन किया है। तो इससे हमारी आर्म होल में झोल नहीं आएगी, एकदम फिटिंग में बैठेगी आर्म होल। अब हम यहाँ से
फ्रंट साइड की गले की चौड़ाई लेंगे, जो बैक साइड में लिया था वही फ्रंट साइड में लेंगे, 2.25 इंच निशान लगाएंगे। तो जैसे हम फ्रंट साइड की गले की लंबाई लेंगे 6.5 इंच, तैयार 6.5 इंच लंबाई है तो हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम गले का फैलाव देंगे 2.5 इंच पर, इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस लाइन को सीधा कर देना है, बॉक्स तैयार करना है यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप पान गले का भी शेप दे सकते हैं इस तरह से, इस तरह से पान गले का शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा गले का डिजाइन बन जाएगा पान गला। अब यहाँ से हम आर्म होल के साइड से निशान लगाएंगे गोलाई के लिए। तो यहाँ से हमको रखना है इस कोने से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और हम गोल शेप दे देंगे इस तरह से, गोल शेप दे देना है इस तरह से। इस तरह से अब हम फ्रंट साइड के लिए डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमको टेप रखना है इस तरह से, और यहाँ पर हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। इस लाइन को हम सीधा कर दिया, यहाँ तक हमने 4.25 इंच लिया है और यहाँ से भी हमने 4.25 इंच लिया है। अब यहाँ से हमको ये जो आर्म होल है फ्रंट साइड का, यहाँ पर इस तरह से मिला देना है इस तरह से, हमको मिला देना है। तो हमारा प्रिंस कट का इस तरह से निशान लग जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से, इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमने 4.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था तो इसको यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा प्रिंस कट का इस तरह से निशान लग गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह आएगा यहाँ से, इस तरह हमारी प्रिंस कट की कटिंग हो गई है इस तरह से। फ्रंट साइड का है ये, तो इस तरह से हमारी प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। तो मैंने आपको बताया है जब प्रिंस कट ब्लाउज में हम जब डीप गला लेते हैं, शोल्डर उतरता है, तो मैंने आपको एकदम आसान ट्रिक्स बताई है। तो इस ट्रिक से आसानी से आप जितना भी डीप गला बनाना चाहते हो, जितना भी डीप गला रखना है, तो इस ट्रिक से शोल्डर कभी नहीं उतरेगा, एकदम फिटिंग में बैठेगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।